सुबह कहीं भी जाना मेरे को इतना भयंकर आलस आता है ना, मतलब सुबह मेरे को नहाने का मन नहीं करता और कहीं जाने का मन नहीं करता। मेरा ये रहता है दिन का सबसे बढ़िया आता है या शाम का टाइम। सुबह दिक्कत रहती है यार, नींद भी नहीं खुलती और थका थका जैसा शरीर रहता है यार। तो दोस्तों बस अब जाने के लिए रेडी हैं, 8 बज चुकी है और ये देखो अभी हम गार्डन में खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं जा रहे हैं। रख ले बढ़िया तरह से है ना, कर दे बंद। तो एक इशू हो गया अंदर, क्या ट्रे मिलती है दोस्तों, आप फोटो में देख सकते हो, इस प्रकार की कुछ ट्रे मिलती है, उसमें अपन को चार्जर, मोबाइल, ईयरफोन सब प्रकार की चीजें हमने उसमें जमा ली थी। मैंने कुलदीप को कहा कि मेरी बना ले तू वीडियो, और मेरी बनाते बनाते उसने क्या है कैमरा पीछे सिक्योरिटी चेप की तरफ घुमा दिया, तो क्या सिक्योरिटी की वीडियो भी आ गई। तो वहाँ सिक्योरिटी जो थी ना वो आ गई, उन्होंने बोला कि आप सिक्योरिटी की वीडियो नहीं बना सकते, आपको डिलीट करनी पड़ेगी, कोई मिस यूज़ कर सकता है इसका। उन्होंने क्या फिर सिक्योरिटी वाली तो करी थी, उसके साथ ही हमारी जो एंट्रेंस की थी और जो भी बनाई थी ना हमने एयरपोर्ट के अंदर अंदर की, वो सब उड़ा दी उन्होंने, डिलीट कर दी। तो बैठा ये देखिए डिलीट करवा के वीडियो। तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों नीचे, पहले हमको लग रहा था गेट 3 पे आ रही, तो हम ऊपर चले गए थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला गेट 1A है, तो फिर हम वापस नीचे आए और यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ये हमारा टिकट एयर एशिया का टिकट, सबके डिपार्टमेंट बने हुए हैं, एयर एशिया के, इंडिगो के, एयर इंडिया के, उसमें चल जाओ अपना लगेज जो एयरप्लेन में जाएगा उसको जमा करा दो, उसके बाद अपना जो है ना ये नॉर्मल 7 किलो का वजन अपन ला सकते हैं अपने साथ फ्लाइट में। एयरपोर्ट कितना बड़ा होता है देखो दोस्तों, खिड़की से दिखाता हूँ आपको नजर, ये देखो आप सीट बेल्ट पे तो कुलदीप और मैं बैठे हुए थे और पूछ रहा था सीट बेल्ट का, सीट बेल्ट लगा लो भाई, लगाते किसे रे, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। लग ही नहीं रहा भाई मेरे से, सीट बेल्ट ही नहीं लग रहा, टिपिकल है थोड़ा सा। A few moments later. इधर नहीं घुसाना था, इधर घुसाना था, ये देखिए इसे। Should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above you? चल गया दोस्तों फ्लाइट, चल गया। इंडिगो का प्लेन खड़ा, आपको दिख रहा होगा इंडिगो का भी सामने, रनवे ले लिया भाई रनवे। गोलाकार बड़े बड़े वैसे होंगे ऐसा कुछ नहीं है, बादल तो एकदम धुएं की तरह दिख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल, जैसे धुआं धुआं फैला रखा हो पूरी तरफ। अब तो 2 घंटे बढ़िया सो जाओ, उतरते हुए थोड़ा सा एक फियर रहता है, उसका भी आपको एक्सपीरियंस होगा। ये दोस्तों वॉशरूम है, देखो बाथरूम, ये एयरप्लेन का वॉशरूम है, इतना सा के बस बहुत भयंकर प्रेशर से जाता है भाई टॉयलेट। दोस्तों अब प्लेन जो है लैंड करने वाला है, टाइम हो गया है करीबन 2 घंटे और अब नीचे जा रहा है, धीरे 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 उतर रहा है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है भाई, लैंड कराओ। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको ताले तू, तेरी झलक शर्फी
रहा है एंड ऑफ द टाइम। ये देखो दोस्तों अभी पार्किंग लगी हुई है सारे, जैसे गो एयर डॉट इन और विस्तारा सबके अपने भी पार्किंग, जैसे गाड़ियां लगती है वैसे एयरप्लेन लगे हुए पार्किंग में लाइन टू लाइन। देखो ये उतर है दोस्तों अभी भी फ्लाइट से कुलदीप में। अरे वाह कितनी तगड़ी हवा चल रही है यहाँ तो। चुके दोस्तों हम घर पे, दीदी ने हमको ये वाला रूम में दिया है भाई सोने की। देखो ये हॉल है और ये किचन है और ये बाथरूम है, ये मेरी दीदी का रूम है। अभी रात हो रही है वरना आपको मैं नजारा भी दिखा देता। ये खोली मैंने जाली और ये देखो आप यहाँ से नजारा है सामने। देखो ये लाइटें दिख रही ना इतनी ऊंचाई पर। अभी हम 14th फ्लोर पे। अभी हम आने के दोस्तों हमने मुंह हाथ धोए नहाए, दीदी ने खाना बनाया था तो आराम से खाना खाया, उसके बाद तो ऐसे सोए हम। यहाँ पर दोस्तों बेंगलोर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है भगवान जी के, वहाँ पर भी जाएंगे। तो अभी तो मैंने आपको ये एक छोटा सा कमरा और भी दे दिया था। यहाँ पर क्या है सारी सुविधा दे रखी है दोस्तों सोसाइटी वालों ने, स्विमिंग पूल हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया। मैं आपको दिखाता लेकिन अभी नाइट होगी, मैं सोच रहा हूँ सुबह कवर करूंगा जगह को। स्विमिंग पूल भी है जहाँ अपन तैर सकते हैं, ज्यादा ऊंडा भी नहीं इतना है। इसी के साथ दोस्तों इस व्लॉग को करते हैं खत्म। व्लॉग अगर अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।